मॉर्निंग स्टूडेंट वेलकम बैक गुड मॉर्निंग स्टूडेंट वेलकम बैक टू अवर 8th सेशन. सो हम हमारी लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे बच्चों, लेसन पढ़े थे द टारगेट, एक निशाना. ठीक है, तो हम अभी इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स लिखेंगे. पर हमारी लास्ट लेसन में हमको क्या सबक मिला कि इधर उधर की बातों में हमने को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए. हमारा जो भी फोकस है उसके ऊपर, उसको जो भी हमारा वर्क है यानी जो भी अपन एम है अपना, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए. सो ठीक है, हम अभी क्वेश्चन एंड आंसर लिखेंगे. टेक आउट पेज नंबर 11. फर्स्ट वन क्वेश्चन है, गुरु द्रोणाचार्य किस किस को तीर अंदाजी सिखाया करते थे. यानी जो गुरु थे उन्होंने किस किस को तीर अंदाजी सिखाया करते थे. तो किस किस को सिखाया करते थे चिल्ड्रेंस, पांडवों और कौरवों को तीरंदाजी सिखाया करते थे. कौन सिखाया करते थे, उनके गुरु. गुरु का नाम क्या था, गुरु द्रोणाचार्य. वो क्या करते थे, पांडवों और कौरवों को तीरंदाजी सिखाया करते थे. ठीक है, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. टर्न द पेज नंबर 12. सेकेंड क्वेश्चन है, निशाना साधने के लिए इन्होंने क्या चीज़ रखी. तो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, तो निशाना साधने के लिए इन्होंने क्या चीज़ रखी, कौन, पंडित जी जो थे ना, उनके गुरु जी थे ना, उन्होंने क्या चीज़ रखी थी, लकड़ी की चिड़िया बनाकर रखी थी. कहाँ पर रखी थी बोलिए, पेड़ पर रखे थे ना. हाँ वही, निशाना साधने के लिए इन्होंने लकड़ी की चिड़िया बनाई. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर चिड़िया को कौन से हिस्से को निशाना बनाया गया, चिड़िया के कौन से हिस्से को निशाना बनाया गया, किस कौन से हिस्से को बनाया चिल्ड्रेन, आई के ऊपर उसको निशाना बनाया गया. किसके आई पे, चिड़िया की आंख पर, आंख के हिस्से को निशाना बनाया गया. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन को गुरुजी ने निशाना साधने के लिए क्यों कहा. यानी गुरुजी ने अर्जुन को निशाना बांधने के लिए क्यों कहा. अर्जुन को गुरुजी ने निशाना साधने के लिए इसलिए कहा कि अर्जुन का ध्यान चिड़िया की आंखों पर ही था, जो कि गुरुजी ने तीरंदाजी इम्तिहान के लिए बनाया था. तो दूसरे जो थे कौरवान थे और पांडुवान थे, उन लोगों का ध्यान कहीं और था, जिसकी वजह से वो इम्तिहान में पास नहीं हुए. और वो जो अर्जुन पास हो गया, मतलब वो इम्तिहान, उनका इम्तिहान ले रहे थे, तो उन्होंने पास हो गए. और वो क्या करें आगे जो भी महाभारत रहते ना, उसमें वो बहादुर आदमी के नाम से अभी भी उसको माना जाता है. तो यहाँ पर अर्जुन को गुरुजी ने निशाना साधने के लिए इसलिए कहा कि अर्जुन का ध्यान चिड़िया की आंखों पर ही था, जो कि गुरुजी ने तीरंदाजी इम्तिहान के लिए बनाया. तो वो उसमें पास हो गया, अभी उसका रिजल्ट भी अपन देख रहे हैं. ठीक है, तो हमको भी अपने जो भी एम है, अपना जो भी मकसद है, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, इधर उधर की बातों पर फोकस नहीं करना चाहिए. ठीक है स्टूडेंट्स, हमें भी आगे चल के हम भी बहादुर यानी ब्रेव आदमी बन सकते. सो नेक्स्ट बीट की तरफ बढ़ेंगे हम अभी. फर्स्ट वन है, मतलब सेकेंड सेक्शन है, सही के आगे राइट और गलत के सामने रॉन्ग का निशान लगाए. यहाँ पर राइट और रॉन्ग अपने को करना है. तो जहाँ पर सही है वहाँ पर राइट लगाएंगे, जो रॉन्ग है वहाँ पर रॉन्ग लगाएंगे. ठीक है, तो फर्स्ट वन है, गुरु द्रोणाचार्य सिर्फ कौरवों को ही तीरंदाजी सिखाया करते थे. कौरवों को ही सिखाया करते थे क्या, नहीं, ये रॉन्ग है. तो यहाँ पर पांडुआ भी थे, तो पांडुओं को भी सिखाया करते थे, कौन, गुरुजी. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कौरवा पांच थे, ये भी रॉन्ग है. कौरवा पांच थे सिर्फ, नो, यहाँ पर कौरवा सात थे, कौरवा, तो ये भी इस पे रॉन्ग लगाएंगे. ठीक है, हाँ, सेकेंड वन, पांडु सौ थे, नहीं, वहाँ पर भी रॉन्ग है, यहाँ पांडु पांच थे,
ठीक है, फिर इन्होंने सबकी सबको बारी 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 से बुलाए। कौन बुलाए? उनके उस्ताद यानी उनके टीचर जो गुरुजी थे ना, उन्हें सबको बारी बारी से बुलाते गए। तो यहाँ पर भी राइट, तो ये राइट था, तो हम भी राइट करें। फर्स्ट वाले में रॉन्ग, सेकेंड वाले में रॉन्ग, थर्ड वाले में रॉन्ग एंड फोर्थ वाले में राइट। ठीक है, फिर हम अभी नेक्स्ट सेक्शन करेंगे, दर्जे ज़ेल जुमलों को मिलाकर सही कर लिखिए। जुमलों को, यहाँ पर जुमले अलग अलग है ना, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है। जहाँ पर कौरवों मतलब ये जहाँ पर सही जुमला बन रहा वहाँ पर अपने को मैच करना है। ठीक है, फर्स्ट वन है कौरवों और पांडवों आपस में चिचेरे भाई थे। फर्स्ट वन से सेकेंड वन को मैच करेंगे हम, फर्स्ट वन से सेकेंड वन। ठीक है, चिचेरे भाई थे लोग, कजन से लोग। वो निशाना लगाने से पहले अपने हर शागिर्द से पूछते थे ना वो उनके टीचर जो थे वहाँ पर, हम इसको मैच करेंगे। फिनेक्स अर्जुन महाभारत की लड़ाई का सबसे बहादुर आदमी माना जाता है। यहाँ पर फिनेक्स, इसमें ध्यान नहीं लगाते वो कहीं के भी नहीं रहते। यहाँ पर अपन अभी सही जुमला मतलब जो भी जुमला बन रहा वो सही बन रहा, तो वहाँ पर हम मैच करें। ठीक है, फिर अब हम अभी नेक्स्ट सेक्शन करेंगे, यहाँ पर खाली जगह भरिए। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है ना, वो अपने को फील करना है। तो यहाँ पर भी अपने को ऑप्शन दिया गया है, तो हम अभी इसको ऑप्शन पे टिक करेंगे। या आपकी वर्क बुक में कंप्लीट करना है क्वेश्चन एंड आंसर्स, आप लोग को अपनी नोटबुक में लिखना है, जो रीडर मतलब जो ग्रामर है वो अपनी रीडर में करना है। ठीक है, सो हम अभी करेंगे। यहाँ पर क्या है, पांडवों और कौरवों आपस में डैश थे। यहाँ पर यह ऑप्शन दिया गया है ना आप लोगों को, चिचेरे ताया ज़्यादा। यहाँ पर दो ऑप्शन है, चिचेरे या तायाजाद, यानी तायाजाद मतलब बड़े अपने फादर के बड़े भाई जो रहते ना उनके लड़कों को बोलते तायरे भाई बोलते, अपने फादर से छोटे वाले जो भाई रहते हैं उनको चिचेरे भाई बोलते। तो यहाँ पर वो लोग क्या थे, चिचेरे थे। पांडु और कौरव आपस में चिचेरे थे, तो यहाँ पर हम अभी चिचेरे पे ठीक करेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड वाला जो है ना, गुरु द्रोणाचार्य ने डैश का इम्तिहान लेना चाहा, यानी घोड़सवारी या तीरंदाजी। तो यहाँ पर भी हम करें ना ऑप्शन टिक करें ना, तीरंदाजी पे उनके गुरुजी उनका इम्तिहान ले रहे थे। किसके, कौरवों और किसका, कौरवों और किसका बच्चों बोलिए, कौरवों और पांडवों का। तो यहाँ पर तीरंदाजी का इम्तिहान ले रहे थे। सो नेक्स्ट पेज नंबर 13, यहाँ पर क्या दिया गया है देखिए, यहाँ पर है ना, अर्जुन की कमान से तीर छूट गया और डैश में जा लगा। यहाँ पर अर्जुन की जो एरो मतलब एरो था ना, जो सामने का जो रहता ना, वो तीर छूट कर कहाँ लगा, चिड़िया की आँख या चिड़िया की नाक, चिड़िया की आँख पर लगा। तो हमारा ये सही ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है अपना, तो यहाँ पर उसको लिखना है अपने को। ठीक है, सो नेक्स्ट वन, अपनी तालीम के वक्त तालीम की तरफ डैश देना चाहिए, पूरा ध्यान पूरा काम। बोलिए, अपनी तालीम के वक्त तालीम की तरफ डैश देना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ना आप लोगों को, यहाँ पर ऑप्शन है ना, पूरा ध्यान या पूरा काम। यहाँ पर पूरा ध्यान देना चाहिए अपने को, तो अपनी जब भी हम तालीम मतलब जब भी अपन एजुकेशन कर रहे हैं उस पर अपना पूरा फोकस करना चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट हम आप करेंगे ये वाला सेक्शन। ठीक है, सामने दिए गए खानों से मुनासिब लफ्ज़ चुनकर खाली जगह भरिए। तो यहाँ पर आप लोगों को बॉक्स दिया गया है ना, वहाँ से देखकर यहाँ पर लिखना है। ठीक है, ये फर्स्ट वन है,
निदा स्कूल डैश से घर आई। निदा स्कूल से सीन सीन ये से सीन ये से निदा स्कूल से घर आई। तो यहाँ पर सीन ये से लिखना है अपने को फर्स्ट वन में, ठीक है। सेकेंड वन, एक बुढ़िया जंगल में, सॉरी, एक बुढ़िया जंगल डैश रहती थी। तो यहाँ पर क्या होता, ने की मैं मी से ने के से क्या, ऐसा है क्या? नहीं, एक बुढ़िया जंगल मी ये नूने गुना में, एक बुढ़िया जंगल में रहती थी, ठीक है। यहाँ पर से अपने को देख के लिखना है, मैंने मैं डैश उसे अंदर आने डैश ले कहा, मैंने यहाँ पर मैंने उसे अंदर आने के लिए कहा, तो यहाँ पर क्या लिखना है, ने और के, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन, यहाँ है मैं, सॉरी, उस डैश मेरी बात मानी, यानी यहाँ पर क्या लिखना है, उस ने नून बढ़िए ने उसने मेरी बात मानी, ठीक है। फिर नेक्स्ट, उसके माँ बाप लखनऊ डैश रहते हैं। उसके माँ बाप, सॉरी मैं फिफ्थ वन अभी मिस कर दी, अभी हम करेंगे, वो यहाँ डैश चला गया, वो यहाँ सीन सीन बढ़िए से वो यहाँ से चला गया, यहाँ पर से लिखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन, यहाँ है उसके माँ बाप लखनऊ डैश रहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम मीम ये मैं, मीम ये नूने होना मैं, उसके माँ बाप लखनऊ में रहते हैं। फिर नेक्स्ट, शकील शकील अपना काम मेहनत मेहनत डैश करता है। तो यहाँ पर लिखना है अपने को, शकील यहाँ पर वो ये वाले में ऑप्शन में लिखना है अपने को, शकील अपना काम मेहनत डैश करता है। तो यहाँ पर लिखना है सीन ये से मेहनत से करता है। फिर नेक्स्ट वन, ये उस डैश किताब थी। तो यहाँ पर अपने को लिखना है इस ये उस की किताब थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन, ये है नाइन्थ वन, मैं डैश जंगल डैश एक शेर देखा। तो यहाँ पर लिखना है अपने को फर्स्ट वन में, मैं ने जंगल में एक शेर देखा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन, माजिद डैश सिवा तमाम लड़के हाजिर थे। माजिद के, यहाँ पर क्या लिखना है अपने को, काफिये के, माजिद के सिवाय तमाम लड़के हाजिर थे। सो ठीक है, सो आज का हमारा होमवर्क है ये वाला सेक्शन, दर्जे ज़ेल सवालों के जवाबात ज़बानी दीजिए, यानी आप लोग को ओरली क्वेश्चन एंड आंसर्स देना है। कहाँ पर देना है, व्हाट्सएप आप लोग का ग्रुप है ना व्हाट्सएप में, जिसमें कुछ भी आप लोग को प्रॉब्लम रहा तो वहाँ पर आप लोग भेजते, यानी कुछ भी पूछते टीचर से तो वहाँ पर आप लोग को ये भेजना है अपने स्कूल ग्रुप में, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग का रिकॉर्ड करके, दर्जे ज़ेल सवालात के जवाबात ज़बानी दीजिए। तीरंदाजी कौन सिखाया करते थे, ठीक है। सेकेंड वन, पांडुआ कितने थे, कौरवा कितने थे, गुरुजी ने किसे निशाना बांधने के लिए कहा, ये आप लोग के फोर आंसर्स है जो कि आप लोग को रिकॉर्ड करके अपने स्कूल पर सेंड करना है, ठीक है। कीप लर्निंग, स्टे एट होम, अल्लाह हाफिज़।